क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या लिखा है. टेन क्यूब टू एक्स बंद है ये sec 2x. अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई. अच्छा सॉरी टेन क्यूब बस क्या किया जाए बताओ. क्या लगता है ऐसे कुछ समझ में आ रहा है. टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स भी नहीं मिल रहा है. तो अगर हम इसको साइन कॉस में बदले तो साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस क्यूब 2x इंटू 1 बाई कॉस 2x कितना हो गया. साइन क्यूब 2x अपॉन कॉस की पावर 4 2x. कोई समस्या तो नहीं यहां तक. इतना तो कर सकते हैं सबको. बोलिए मान्या किसको टीम आने की अवेलेबल है. कुछ कॉस को टीम आने तो साइन ऊपर मिल जाएगा लेकिन ऊपर हमें सिर्फ साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x लिख दें अपॉन क्या हो गया कॉस की पावर 4 2x. कोई समस्या. अगर हम नीचे वाले को कॉस 2x को t मान रहे हैं तो कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x और 2x का 2 इंटू dx इक्वल टू कितना आ गया तो साइन 2x इंटू dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 dt आया कि नहीं आया. ये समझ में आया. जरा ध्यान से देखो तो यहां क्या लिख सकते हो. साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन इसकी वैल्यू हो गई t की पावर 4 और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2x dx को माइनस 1 बाई 2 dt. माइनस 1 बाई 2 कहां चला गया बाहर चला गया. 1 माइनस कॉस 2x को क्या माने थे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 डी टी अलग अलग कर दो. 1 बाई टी की पावर 4 डी टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर. कोई समस्या हो जाएगा. बोलो कितना आ जाएगा. माइनस 1 बाई टू टी की पावर माइनस 4 तो t की पावर माइनस 5 अपॉन माइनस 5 माइनस t की पावर माइनस 3 सॉरी प्लस 1 होता है ना तो माइनस 3 अपॉन माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1. माइनस 1 से 1 कट गया तो माइनस 1 बाई 2 कहाँ कट जाएगा ये तो ऊपर चला जाएगा ना माइनस 1 अपॉन 3 t की पावर t किसको माने थे cos 2x plus 1 upon cos 2x plus c यही आंसर हो जाएगा. थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं इसको 4x. क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx क्या करें छोटू हैं उससे क्या होगा. फिर हाँ तो क्या दिख रहा है बताओ 1 प्लस sec की पावर 4 तो फिर फंस गए. अरे तो तुम देखो लिखेगा सामने आपके सोचो तो पहले एक बार उसको क्या बोल रहा हूं मैं. tan की पावर 4 को अगर आप जैसा बोल रहे हो tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए सपोज कर लो तो क्या बन गया 1 माइनस sec के बाद होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा तो फायदा क्या हुआ. अगर उसकी बजाय अगर हम ये करें tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx
नहीं अच्छा लग रहा है। इसको अगर हम लिखें tan स्क्वायर x इंटू वन माइनस sec स्क्वायर x dx, हाँ वन प्लस टेन एक्स, हाँ sec स्क्वायर x माइनस वन, ठीक ठीक sec स्क्वायर x माइनस वन, अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो, तो tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x माइनस वन माइनस, सॉरी माइनस टेन को वापस से लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं किसका, अगर हम यहां पे tan x को t मान लें तो काम बन जाएगा यार। तुम tan स्क्वायर x का डिफरेंस सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था, tan x को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस वन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यार मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक पता नहीं होंगी चीजें तब तक नहीं होगा इंटीग्रेशन। आगे बढ़े, अब इसमें किसको t मान लें, tan को t मान लें, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x dx खत्म, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ गया, tan क्यूब x बाई थ्री, tan x को t माना। बेटा लिखने की बजाय दिमाग में सोचूं तो क्या बोल रहा हूं मैं, tan x को क्या माना, t माना, तो t का डिफरेंस tan का डिफरेंशिएशन कितना आया, sec स्क्वायर x dx, तो पूरा dt बन गया। तो यहां क्या लिखा हुआ है, t स्क्वायर, यहां क्या लिखा हुआ है, t स्क्वायर, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई थ्री, तो t क्या था, तो tan क्यूब बाई थ्री माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और माइनस माइनस, हमसे किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं है लेकिन कौन था वो इंसान, कहा था कि जैसे मान लो मल्टीप्लाई करते हो आप लोग 25 को 43 से, तो मल्टीप्लाई करने का सही तरीका क्या है, 5 3 15, सभी बच्चे ऐसे करते हैं और ऐसे करना चाहिए, लेकिन अगर आपको दिमाग का विकास करना है ठीक है, तो आपको 25 की टेबल पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, उससे आपका ब्रेन तेज चलेगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? जैसे कि रीजनिंग के क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो रीजनिंग आजकल क्यों हर जगह पे कंपलसरी हो गई है ज्यादातर जगहों पे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन से आपकी ब्रेन की टेस्टिंग होती है। कर सब लोग लेते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, बस समय ज्यादा लगता है, किसी को कम समय लगता है, ठीक है। ऐसे ही करते नहीं कर पाएंगे बेटा, उससे नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ नहीं रही हो मैं क्या बोल रहा हूं। tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगी आप, फिर अगला टर्म क्या लिखोगी, फिर क्या आएगा, sec की पावर 4 आएगा माइनस प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2 sec स्क्वायर x आएगा, तो sec की पावर 4 तो फंसा दिया ना हमें, आएगा। आप पहली बार सोच रही हो अभी, पेपर तक आप कम से कम इसके 200 क्वेश्चन लगा चुके होंगे, अभी ये 11 एक्सरसाइज है, अभी तीसरी पे है हम लोग, हमने आपसे पहले कह दिया था कि 2 महीना लगेंगे इसमें, अक्टूबर चला जाएगा तुम्हारा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है पढ़िए, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग सकता है, क्या बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वन माइनस साइन एक्स इंटू अपॉन
कोई समस्या यहाँ तक? कैसे? बहुत बढ़िया, अलग अलग कर दो, सही कह रहा है। अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स, यहां क्या बनेगा? हाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? और वन अपॉन कॉस, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस प्लस। देखो मुझे भी नहीं आ रहा था ये अप्रोच, तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है और वहां पे आपका दिमाग काम किया कि नहीं। यार अगला ट्राई करो, बैठ क्यों गए हो, मैंने बंद कर दी तुमने। चलो 18 देखो क्या लिखा है, पढ़ी भाई 18 क्वेश्चन नंबर। कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, खत्म। तो क्या करें, कॉस 2x को चेंज कर दें, कॉस स्क्वायर, अच्छा हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, लो खत्म हो गया, आंसर आ गया, ये कट गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। नहीं आया क्या लिखा है बताओ भाई, क्या लगेगा इसमें, 1 अपॉन sin x इंटू, अच्छा साथ में ही है कॉस क्यूब, इस क्या भैया, अच्छा बता दिए, ओके। किसको टी माने कि काम बन जाए, या क्या इसको वन की वैल्यू क्या होती है, फिर क्या होगा, नहीं होगा, चलो काटते हैं, दिमाग लगाते हैं। एक आएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक तरफ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का एक साइन गया, तो ऊपर बचेगा साइन अपॉन कॉस क्यूब, साइन अपॉन कॉस को लिखोगे टेन, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो पहला इंटीग्रेशन आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को काटा, तो अपॉन में आया 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या ऊपर से जा रहा है सब, हम पहले देख लें सॉल्व हो रहा है कि नहीं पूरा, तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फिर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दो, हो जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, बच्चे बात समझो मेरी, दिस इज द डिफरेंस कि पेपर में सवाल खुद से लगा पाओगे कि नहीं, यही आपको सीखना है। मैं चाहूं तो मैं उस मेथड को फॉलो कर सकता हूं जो बाकी टीचर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मैं फॉलो करूंगा जैसा मैं फिजिक्स में करता हूं कि मैं सवाल करके दिखा देता हूं, बता देता हूं ऐसे ऐसे लगेगा, उससे मैथ का कंसेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। मैथ का कंसेप्ट बिल्डअप करने का मतलब बुद्धि का विकास, सोचना सीखिए, और तुम कोशिश करो कि उसके स्टेप्स को देखो, दिस इज अबाउट फीलिंग्स,
और जब तक आपको फील नहीं होगी मैथ्स, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैथ्स। चलो लिखना शुरू करें इसको। अगला स्टेप आपको पहले आना चाहिए इस स्टेप से, तब आप इसको लिखिए, नहीं तो इसको मत लिखिए। चलें स्टार्ट करें। वन को क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अलग अलग करेंगे क्या बनेगा? साइन स्क्वायर अपॉन, सीधे बैठो, तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बनेगा? साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस क्या लिखें? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये से ये कैंसिल, यहां साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? इंटू प्लस, ऊपर फिर से चेंज कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? टैन एक्स को टी मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया, तो टी स्क्वायर बाई टू प्लस, अलग अलग कर दो, तो साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत? प्लस कॉस से कॉस कट गया, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर कितना आ गया? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस माइनस वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन, लॉग टी बोले तो लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स डी एक्स, तो प्लस लॉग प्लस सी। इन दोनों में क्या कर सकते हैं? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो प्लस लॉग एम बाई एन, तो साइन अपॉन कॉस बोले तो कितना आ गया? टेन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। महक समझ में नहीं आया? किस जगह से नहीं आया बताइए? ये नहीं, स्टेप बोलो।